चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 एक्सरसाइज 6B। उस दिन बताया था हमने शीशा विमुख कोण के बारे में कि शीशा विमुख को कैसे पहचानेंगे, क्या होता है, उसके एक परिमेय भी हमने पहले करा चुके हैं, तो उसको जो है सभी बच्चे कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 6B का पहला क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाएंगे। दिया है कि चित्र में दो रेखाएं हैं, एक L हो गई, एक M, जो बिंदु O को छेद करती है। यदि एक्स एक्स का मान दिया है 30 अंश दिया है यहाँ पे एक्स का मान, वाई जेड और यू के मान ज्ञात करो। तो हमने बताया था कहीं पर भी घोड़ा का चिन्ह जैसा दिखे इस टाइप का, तो सभी लोग ये पहचान जाओगे कि ये जो बनता है ये कोण, इस टाइप के जो कोण होते हैं वो शीर्षा विमुख कोण होते हैं। और शीर्षा विमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये चीज हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए x का यहाँ पे मान दिया है 30 अंश दिया है, पहले यहाँ पे जो भी दिया हो लिख लो, x बराबर दिया है तुम्हारा 30 अंश, किसके निकालना है, y का निकालना है, z का भी मान निकालना है और u का निकालना है, इनका सबका मान हमको निकालना है। तो देखो x x के सामने कौन सा कोण होगा, ये z होगा, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर हो गए, क्योंकि ये शीशा विमुख कोण है, या सम्मुख कोण भी कह सकते हो, इनको सम्मुख कोण भी कहते हैं। तो जितना x का मान होगा उतना z का भी मान होगा। अगर यहाँ पे लिखा है x बराबर 30 अंश है, तो x और z जो हो जाएंगे ये हमारे सम्मुख कोण हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लेना सभी लोग सम्मुख कोण, ठीक है, शीशा विमुख कोण लिख लो या सम्मुख कोण लिख लो। तो जितना x का मान होगा उतना ही हमारा z का मान होगा, तो यहाँ पे z भी जो होगा हमारा 30 अंश हो जाएगा। समझ आ गया सबको, ये 30 अंश ये हमारा दिया है और ये 30 अंश हमारा निकलता गया, ठीक। अब देखो इसमें एक कोण और बन रहा है, ये कोण या ये कोण या ये कोण, ये कोण किस टाइप के कोण बन रहे हैं, ये हमारे रेखीय युग्म कोण बन रहे हैं। ये सबको मैं बता भी चुका हूँ और सब जानते भी हैं। देखिए ये रेखा पड़ी है, इस पर ये किरण हमारी खड़ी है, तो इस प्रकार का जो ये आसन्न कोण बनते हैं उनका योगफल जो होता है 180 अंश के बराबर होता है, उन्हें रेखीय युग्म कोण कहते हैं। तो इसमें रेखीय युग्म का भी लगे संबंध लगा दीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, किसी से भी निकाल सकते हो। तो हमने जेड और वाई को जेड और वाई से निकाल लिए, उसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे नाम लिख लो, समझ आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम जेड प्लस वाई, इनका जो योगफल होगा हमारा 180 अंश होगा। क्यों होगा, ये हमारे कोण जो है रेखीय युग्म कोण है, तो यहाँ पे लिख लो सभी लोग रेखीय युग्म कोण, समझ आ गया। अब देखो जेड का मान हम यहाँ से निकाल चुके हैं, जेड का मान हमारा दिया है 30 अंश, तो यहाँ पे हम 30 रख देंगे प्लस वाई बराबर हो गया तुम्हारा 180 अंश। अब ये समीकरण बन गए, समीकरण सभी लोग हल कर लेते हो, इसको हम उधर ले जाएंगे बराबर के, तो यहाँ प्लस का है तो उधर जाएगा काय का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि चिन्ह जो होंगे बदल जाते हैं, कि वाई बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 30 अंश, तो वाई बराबर आ गया हमारा 150 अंश, यानी वाई का मान हमारा आ गया 150। समझ गए सभी लोग। अब देखिए जितना वाई का मान होगा उतना यू का होगा, क्यों होगा, तो सब लोग जान गए होंगे, तो शीशा विमुख कोण है, सम्मुख कोण है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये तो बता दूंगा, यानी यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा y, ब्रैकेट में यहाँ लिख लोगे सम्मुख कोण, समझ आ गया। तो y का मान यहाँ से निकल आया 150, तो u का भी मान हमारा हो जाएगा 150, ये भी हमारा कितना आ गया 150, समझे। यहाँ पे लिख लो x बराबर निकल के x दिया ही था 30 अंश हो गया, z भी निकल के आ गया 30, y निकल के आ गया 150 और तुम्हारा u भी निकल के आ गया 150,
सुन रहा गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये चीज देखिए, अब ये क्वेश्चन सही है कि गलत ये चीज देख लीजिए। देखो जिस प्रकार से ये कोण बन रहे हैं हमारे, देखिए कुंभकोण, और इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो 180 अंश होगा। तो ये चीज तुम जोड़ के देख सकते हो, 150 में 30 को ऐड करो 180 अंश के बराबर आ रहा है। उसी प्रकार से ये देख लीजिए, ये भी देखिए कुंभ बन रहा है, तो 150 और 30 को ऐड करोगे तो 180 आ रहा है। इसको भी हम देख लेंगे, ये भी 180 का योग आएगा, दोनों कोणों का इसका भी योगफल हमारा 180 अंश आएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो है सही है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब इसके आगे का दूसरा क्वेश्चन है वो सभी बच्चे जो है लगा के और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है आपके क्लास का उस पर सेंड करेंगे। 6B का दूसरा क्वेश्चन जो है लगा के सभी बच्चे ग्रुप पे सेंड करेंगे और इसको तुम लोग नोट कर लो।